हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का SST क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्लास 10th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के अध्याय फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के परावर्तन का जो बाकी वीडियो रह गया है, हमारा जो टर्म था इमेज कैसे बनाते हैं, कैसे इमेज फॉर्मेट करते हैं उत्तल दर्पण की सहायता से, अवतल दर्पण की सहायता से, जो शेष रह गया था उसका हम टॉपिक, वही हमारा टॉपिक है, बनाने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अंत तक देखिएगा और संडे स्पेशल देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, मेरा जो टॉपिक है चौथा कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तब इमेज कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मान लीजिए मेरा अवतल दर्पण है, ठीक, ये हमारा पहला किनारा M1, ये दूसरा M2, ये हमारा हो गया पोल P और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा फोकस और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स वस्तु कहाँ है? वस्तु वक्रता और फोकस के बीच है, ठीक है ना, वक्रता और फोकस के बीच में है। इस तरह से यदि इसको हम ए माने और इसको बी माने, तो ये स्टूडेंट्स अब आप यहाँ समझ सकते हैं यहाँ हमारा इमेज किस तरह से फॉर्मेट करेगा। देखिए यहाँ दो कंडीशन है, देखिए अगर इस पे प्रकाश की किरण, यदि इस पे प्रकाश पुंज पड़ेंगे तो जो सी से जाएगा वो इसे सीधे निकल जाएगा, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन जो पैरेलल जाएगा आप समझ सकते हैं वो मुख्य फोकस से आएगा, जो पैरेलल जाएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आएगा? फोकस से आएगा। इस तरह से इसको हम फोकस से ले आएंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा फोकस। आप समझ सकते हैं ये पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आएगा? फोकस से। और ये हमारा कुछ किरण ऐसे भी होगी जब प्रकाश पुंज इस पे पड़ेंगे तो ये हमारा फोकस से जाएगा, तो जो फोकस से जाएगा, ठीक, वो क्या होता है रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या होता है? जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, देखिए अब आप समझ सकते हैं ये दोनों रेखाएं कहां से आ रही हैं? बी से, यहां पे मिल रही हैं, तो यहीं पे इमेज फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो आप देखिए ये कहां, यहां ए पर और बी, ये मान लेते हैं सी पे ऑपरेटिव होती है, डी से निकल जाती है और ये एफ से निकल जाती, ई से निकल जाती है। देखिए ये जो दोनों किरणें हैं, ये दोनों किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, ये दोनों किरणें कहाँ से आ रही हैं? बी से, तो ये जो होगा ये बी होगा, तो बी का इमेज बी डैश और ये कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा किरण आरेख हो गया, इमेज बन गया। डियर स्टूडेंट्स, इसका रिफरेंस क्या होगा? ऐसे स्थित में वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के सामने
मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे वक्रता, वक्रता के पीछे, वक्रता के बाद के बाद काटती है जहां वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक, और कैसा है जो ऊपर है वो नीचे गया, जो नीचे है ऊपर गया तो उल्टा, और कैसा है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में हम देखते हैं फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ जगह है, यहाँ नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो मेरा आइडिया स्टूडेंट्स वो है यहाँ वक्रता, यहाँ देखिए यहाँ वस्तु वक्रता और फोकस के बीच में है, वस्तु फोकस पे होगी, वस्तु कहाँ होगी फोकस पे। तो ये स्टूडेंट्स ये मेरा हो गया मिरर, ठीक है, ये मेरा यहाँ लिख देते हैं कंडीशन नंबर 5, जब वस्तु फोकस पर हो। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये हमारा हो गया, ये मिरर हो गया, ये पहला किनारा हो गया एस M1, ये हो गया M2, ये हो गया पोल P। ठीक है, और इसको यहां से मिला देते हैं, ये मान लेते हैं फोकस है और ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब वस्तु ये स्टूडेंट्स कहाँ है फोकस पर, वस्तु कहाँ है फोकस पर। तो देखिए फोकस पर है तो फोकस से तो नहीं जाएगी, यदि वस्तु फोकस पर है तो फोकस से तो जाने का चांस ही नहीं है क्योंकि वस्तु इसी पर ही रखा गया है, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसमें से आएगा, फोकस से आएगा, गैप में से आएगा, ये यप के थ्रू जाएगा। ठीक है ना, जो समांतर, जो एक्स अक्ष के समान, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती है, लेकिन कुछ किरण इस पे जब पड़ेंगी तो कुछ ऐसा भी होगा जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो उसी मार्ग से क्या होगा, वापस आएगा इस तरह से, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो उसी मार्ग पर, उसी पाथ पर क्या होगा, वापस आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो ऐसे जा रहा है, फिर रिफ्लेक्शन के बाद इसी से क्या होगा, वापस आएगा। अब आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन के बाद बोथ रेज क्या हो जा रही है, पैरेलल। तो ऐसे स्थिति में ये अनंत पर मिलेंगी और जहां मिलेंगी यहीं इनका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जो अब ये जो पैरेलल गया वो फोकस से आया, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया ये देखिए जा रहा है, फिर यहाँ टकराया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया। आप इसको पढ़े हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से किरणें जाती हैं वक्रता केंद्र से, पुनः वक्रता केंद्र पर वापस उसी मार्ग से वापस आ जाती हैं। तो परावर्तन के पश्चात ये किरण और ये किरण क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। तो ऐसे स्थिति में ये कहां मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी, और अनंत पर ही इनका इमेज बनेगा। तो इसका डिफरेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ऐसे स्थित में वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
परावर्तन के पश्चात दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के नीचे मुख्य अक्ष के नीचे अनंत पर मिलती हैं जहां वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तव में मिलेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, और कैसा नीचे बनेगा तो ऊपर का नीचे जाएगा, और नीचे का यदि ए है ये बी है तो ए नीचे जाएगा बी ऊपर जाएगा, तो इस तरह से वास्तविक उल्टा व अनंत पर बनेगा तो बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा व बड़ा बनता है। ठीक है ना, समझ में आया, ये हो गया इसका रिफरेंस। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है अब वस्तु, देखिए फोकस और सेंटर ऑफ फोकस पर था, फोकस और पोल के बीच में होगा तब क्या बनेगा, तब क्या कंडीशन होगी, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब वस्तु कहाँ है, अब वस्तु हमारा है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब वस्तु है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं सॉरी, मुख्य फोकस और पोल के बीच में है। जब वस्तु, मेरा नेक्स्ट टॉपिक लास्ट है इसका अवतल के द्वारा, जब वस्तु फोकस वा ध्रुव के बीच हो। ठीक है, अब देखिए ये मेरा हो गया मिरर। ठीक है, ये मेरा मिरर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, पहला किनारा M1, M फॉर मिरर, समझते ही हैं, ये पहला किनारा, दूसरा किनारा, और ये हमारा हो गया पोल। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा पोल है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वस्तु डियर स्टूडेंट्स कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, यहाँ है, ये हमारा वस्तु है फोकस और उसके बाद में फोकस और पोल के बीच में है, अब क्या होगा ये हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे स्थिति में कुछ किरण यदि प्रकाश की पुंज पड़े तो क्या होगा ये स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे पैरेलल जाएगी, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेज है, ये इसके पैरेलल जाएगा। अब आप जानते हैं जो पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आती है फोकस से, तो ये हमारा फोकस से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोकस है, फोकस से निकल जाएगा। कुछ किरणें ऐसे भी होंगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वह उसी मार्ग पर वापस आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये किरणें इधर से जा रही हैं और इधर से क्या हो रही है, वापस आ जा रही हैं। अब आप इसको देख करके समझना आपको ये है कि ये किरण जैसे जैसे इधर बढ़ रही हैं, देखिए बीच की जो ये गैपिंग है, ये गैपिंग बढ़ती जा रही है, अर्थात ये इधर नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि इसको हम यहाँ ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे पीछे की ओर खींचे तो ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट पर मिलेंगे, तो इसी पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा डियर स्टूडेंट्स, यदि यहाँ ए है ये बी है तो आप समझ सकते हैं ए का इमेज ए डैश बी का भी डैश, क्योंकि देखिए बी से चलने वाली किरण बी की ओर है और ए से चलने वाली किरण ए की ओर है, तो ये दोनों किरणें पीछे मिलाने पर इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात इस पॉइंट पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका रिफरेंस क्या होगा,
ऐसे स्थिति में वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु से चलने वाली वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब वा अब देखिए यहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो इसका मतलब आभासी होगा। जब वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक होगा, जब मिलती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी होगा। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, ये स्टूडेंट्स आभासी है तो क्या होगा, सीधा है। बी का बी ऊपर था ऊपर है, ए नीचे था नीचे है, तो ये इस तरह से आभासी सीधा है ना, जो जैसे था बी ऊपर था ऊपर ही है, ये नीचे था तो एक इमेज नीचे ही है, तो आभासी सीधा वा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो डियर स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का एक ही कंडीशन है, उसको भी हम देख लेते हैं वो किस तरह से है और कैसे बनेगा, उसको भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाना। ये स्टूडेंट देखिए, ये मान लीजिए ये आपका उत्तल दर्पण है। जब उत्तल दर्पण रहेगा, ठीक है, उत्तल दर्पण का मतलब समझते ही है, जिसका उभरा हुआ तल होता है और दबे हुए तल पे क्या होता है, लेप लगा हुआ होता है। तो ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया M1 पहला किनारा, M2 दूसरा किनारा, ये आपका पोल P हो गया। इसको यहां से ऐसे खींच देते हैं तो ये आपका हो गया फोकस और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये रूल होता है कि प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा, उस तल से होगा जो समतल होगा, पॉलिश नहीं लगा होगा, अर्थात प्रकाश का परावर्तन इधर से होगा। तो वस्तु हमें इधर रखनी पड़ेगी, वैसे भी प्रकाश को हमेशा बाई ओर से डाली जाती है, तो ये हमारा वस्तु हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम मान ले इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, इस तरह से बना दीजिए, वस्तु को ही छोटा बना देते हैं। ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है। अगर हम मान लें कि ये वस्तु है, अब यहां से प्रकाश की किरण ऐसे चले मुख अक्ष के समान, इस पे प्रकाश पुंज जब पड़ेगा तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर, ऐसे इधर उधर जाएगा ना, तो इधर उधर से हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है कि कौन किरण दर्पण की ओर जा रही है, जो दर्पण की ओर जाएगी उसी का परावर्तन होगा। तो ये मान लेते हैं मुख अक्ष के समांतर गया, तो मुख अक्ष के समांतर जब जाएगी तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगी इस तरह से, ठीक। लेकिन आप इसको जब मिलाओगे तो आप देखोगे कि ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, जब ये आएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जब पीछे मिलाओगे तो आप देखोगे कि ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। कुछ किरण ऐसे भी होगी जो वक्रता केंद्र की ओर आएगी, ठीक है ना, माने कुछ किरण ऐसी भी होगी जो ऐसे आएगी। यदि इसको आप ऐसे डॉट डॉट करके मिलाओगे तो आप देखोगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है। अब आप ये जानते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाता है ये उसी मार्ग से वापस आ जाता है, इस तरह से गया और इस तरह से आया। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं,
तो यहीं पर इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है ना। यदि इसको ए माने, इसको बी माने, तो ये बनेगा ए डैश, ये बनेगा बी डैश। तो डियर स्टूडेंट्स, वस्तु को कहीं भी आप रखेंगे, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, तो यदि मान लेते हैं कोई किरण ऐसे तो जो मुखच्छे के समांतर जाएगी, आप पीछे बढ़ाओगे तो लगता है कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और ये ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो ये दोनों यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहीं पर इमेज फॉर्मेट करेगा। तो प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु को यहाँ वहां वहां कहीं भी आप रखेंगे, इमेज ऐसा ही बनेगा, आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा। तो यहाँ लिखिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद में हम आप लोगों के लिए हम UVF वस्तु का दर्पण से दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, UVF कितने दूरी पर वस्तु का इमेज बनता है, कितने दूरी पर रखा जाए तो कितने दूरी पर बनेगा, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी ध्रुव से, इन सब सारी चीजों का UVF में संबंध, F और R में संबंध हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। हम चाहेंगे जो आप लोग मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, हम उसके लिए दिए हैं और दे रहे हैं, हम आप लोगों को उसके लिए थैंक यू कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग अपना प्यार ऐसे मुझे देते रहिए, सपोर्ट आप लोगों का ऐसा ही मिलता रहे, हम आप लोगों के लिए मेरा SST क्लासेस समर्पित है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।